हेलो एवरीवन, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मार्केटिंग कम्युनिकेशन में जो आज का टॉपिक है वो होगा एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन। तो एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन में हम ये पढ़ेंगे कि मार्केटिंग कम्युनिकेशन किन किन चीज़ों से मिलके बनी है, या फिर हम किस तरह से अपने मैसेजेस को, यानी कंपनी के मैसेजेस को कस्टमर तक, हमारे पोटेंशियल कस्टमर हो चाहे एग्जिस्टिंग कस्टमर हो, उन तक हम मैसेज पहुंचा सकते हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन में ये एलिमेंट्स होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन, डायरेक्ट मार्केटिंग, पर्सनल सेलिंग एंड वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग। ठीक है, इनके अलावा कुछ नए भी ऐड हुए हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग हुई है, इंटरैक्टिव मार्केटिंग हुई है, उनको भी हम आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अभी हम यहाँ पर इन एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे डिटेल्स में, जिसमें कि हम ये जानेंगे कि जैसे एडवर्टाइजिंग है तो वो होता क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ओके, सो लेट्स प्रोसीड। पहला जो है हमारा वो है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग की जो डेफिनेशन है वो क्या है, एडवर्टाइजिंग की डेफिनेशन है एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन और गुड्स और सर्विसेज और आइडिया हैविंग एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। सो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कुछ वर्ड्स जो हैं वो मैंने बोल्ड में किए हैं। इसका मतलब ये है कि ये इंपॉर्टेंट वर्ड हैं डेफिनेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एनी पेड फॉर्म ऑफ, ठीक है, यानी पेड का मतलब है कि जो भी एडवर्टाइजिंग हम करते हैं उसके लिए जो है हम पैसा देते हैं। इट इज नॉट फ्री, इट हैव सर्टेन चार्जेस। चाहे आप टीवी में ऐड करें, चाहे आप ब्रोशर्स दें, फ्लायर्स दें, उन सबकी एक कॉस्ट होती है, वो हमें पे करनी पड़ती है। तो इट इज अ पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन। नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, नॉन पर्सनल यानी कि ये किसी एक इंडिविजुअल के, एक पर्सन के बिलीव नहीं है। इट इज नॉट पर्सनल। जो भी हम एड में मैसेज दे रहे हैं, जो भी एड में हम आइडिया दे रहे हैं, थीम दे रहे हैं, वो किसी एक इंडिविजुअल की पर्सनल फीलिंग्स नहीं है, पर्सनल मैसेज नहीं है। इसका एक स्पॉन्सर्ड, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर है, यानी कि कंपनी जिसका वो गुड्स है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक चिप्स की ऐड कर रहे हैं तो कोई कंपनी है जो चिप्स का ऐड कर रही है, तो ये पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं है, पर्सनल बिलीफ नहीं है, ये कंपनी द्वारा पे किया गया जो है वो पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसके लिए कंपनी ने पे किया है। ठीक, सो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन ऑफ एन अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन, गुड्स और सर्विसेज हैविंग एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। ठीक है, एड्स जो होते हैं वो कई तरीके से जो है एड्स हम कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स आप देख आने वाली स्लाइड में देखेंगे, जैसे ये फ्लायर हो सकता है, हम फ्लायर्स इशू करते हैं जो सिंगल पेज हो सकता है, मल्टीपल पेजेस भी हो सकते हैं, हम इसको ब्रोशर के रूप में भी, पैम्फलेट के रूप में भी हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। टीवी में हम सभी ऐड देखते हैं, न्यूज़पेपर में एड्स आते हैं, रेडियो पे ऐड सुनते हैं, मेट्रो में आप जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, रोड्स पे जा रहे हैं, तो यहाँ पर इस तरीके के एड्स आप देख सकते हैं। होर्डिंग्स होते हैं, बड़े बड़े बोर्ड्स लगे होते हैं, इंटरैक्टिव कियोस्क भी आगे आ गए हैं, वो भी एक एड्स की तरह काम करते हैं। तो ये सारे एड्स के तरीके हैं। अब यहाँ बेसिक जो सेग्रीगेशन है वो ये कह सकते हैं कि एड्स जो हैं वो प्रिंट एड्स होते हैं और एक ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं। तो जो हम टीवी में एड्स देखते हैं, चाहे मोबाइल पे देखते हैं, जिसके अंदर वीडियो और ऑडियो दोनों इन्वॉल्व है, चाहे वो सिनेमा जब आप देखने जाते हो वहाँ ऐड आता है मूवी में, या फिर आप आजकल बड़ी बड़ी स्क्रीन्स में ऑडियो विजुअल चल रहा होता है, वो सारे एड्स जो हैं वो ऑडियो विजुअल एड्स में आते हैं। प्रिंट मीडिया में आता है आपका न्यूज़पेपर में जो एड्स आ रहे हैं, मैगजीन्स में आ रहे हैं, आपके जो फ्लायर्स हो गए, ब्रोशर्स हो गए, पैम्फलेट्स हो गए, ये सारे एड प्रिंट एड्स में आते हैं। सबके अपने कुछ एडवांटेजेस होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, तो हम इतना डीप में अभी नहीं जाएंगे। हम बेसिक एडवर्टाइजिंग की क्या एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं वो डिस्कस करेंगे। तो एडवांटेजेस में जो तीन पॉइंट्स हैं वो है, एडवर्टाइजिंग जब हम चूज करते हैं कि एक कंपनी अगर चूज कर रही है कि उसे एडवर्टाइजिंग करनी है, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि वो लार्ज ऑडियंस को मैसेज पहुंचाना चाहती है। जब आप वाइड रेंज ऑफ ऑडियंस को, जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम पूरे इंडिया में हमारा प्रोडक्ट बिकता है और हम पूरे इंडिया में अपना मैसेज कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो एडवर्टाइजिंग इज बेस्ट सुटेबल। ठीक है,
देखिए अब जैसे वाइड रीच है, एडवर्टाइजिंग अलाउज बिजनेसेस टू रीच लार्ज ऑडियंस थ्रू वेरियस चैनल्स, तो कई चैनल्स के थ्रू हम एड्स कर सकते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव एड का क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ ऑडियंस को एक ही एड से हम अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं। एग्जाम्पल चैनल्स के टेलीविजन पे आ सकता है, प्रिंट जैसे न्यूज़पेपर जो है, जितने लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जितने लोग मैगजीन्स में पढ़ते हैं उनको सब तक एड हमारा पहुंचेगा, रेडियो है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है, तो ये एडवांटेज एक हो गया। दूसरा ब्रांड विजिबिलिटी, जब हम बार बार एड्स देखते हैं, चाहे टीवी के थ्रू देख रहे हो, चाहे होर्डिंग्स पे देख रहे हो, मैगजीन्स पे देख रहे हो, न्यूज़पेपर में देख रहे हो, तो बार बार जब कंसिस्टेंट मैसेज हमारे तक आते हैं तो एक ब्रांड की विजिबिलिटी बढ़ती है। कस्टमर जो है ब्रांड को रिकॉग्नाइज कर सकता है, उसको याद रहता है कि हाँ ये ब्रांड इस चीज के लिए है, जब उसको जब भी उसको नीड होगी तो वो ब्रांड उसके दिमाग में पहले आएगा। तो ब्रांड विजिबिलिटी के लिए भी ये एड्स बहुत फायदेमंद होते हैं। नेक्स्ट क्रिएटिव फ्रीडम, एड्स आजकल जो होते हैं, क्योंकि एड में एक लिमिटेशन ये है कि हमें शॉर्ट स्पेस में, शॉर्ट ड्यूरेशन में हमें ऑडियंस का ध्यान खींचना है, उन्हें अट्रैक्ट करना है, उनके अंदर डिजायर जनरेट करना है, तो ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में है और इसके लिए जो है एड्स वो क्रिएटिव होने बहुत जरूरी है। तो ये क्रिएटिव फ्रीडम भी देता है, आप किसी भी तरीके के एड्स बना रहे हो आप उसमें क्रिएटिविटी डाल सकते हो और ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये कुछ एडवांटेजेस हुई। डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे पहला कॉस्टली, एड्स जो होते हैं वो कॉस्टली होते हैं। अगर आप टेलीविजन में एड दे रहे हो, आप न्यूज़पेपर में एड दे रहे हो, तो बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। टेलीविजन एड्स 10 सेकंड्स, 5 सेकंड्स के हिसाब से एड्स की कॉस्ट होती है। न्यूज़पेपर का एड आप जानते हो पूरा 50,000 से 1,00,000 रुपए तक के एड्स ये जा सकते हैं एक दिन के, तो कॉस्टली है। अगर आप मार्च ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो और आपके एक्चुअल कस्टमर्स बहुत ज्यादा हैं, पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, पूरे रीजन में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तब आपके लिए ये एडवांटेजेस होगा, वरना ये बहुत कॉस्टली होता है। क्लटर, आजकल हम देखते हैं आप चाहे मोबाइल चला रहे हो, चाहे कोई गेम मोबाइल में खेल रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, सोशल मीडिया कोई प्लेटफॉर्म चला रहे हो, आप टीवी देख रहे हो, आप मूवी जा रहे हो, वहां पर हमें एड्स बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। आप रास्ते में चल रहे हो, आपको होर्डिंग्स, पोस्टर सब देखने को मिलते हैं, देयर इज लॉट ऑफ क्लटर, बहुत सारे एड हैं। ये एक प्रॉब्लम है कि ऑडियंस के ऊपर इतने ज्यादा एड्स के बॉम्बार्डमेंट हो रहे हैं कि ऑडियंस के दिमाग में एक स्पेस बचा के रखना, वो एक जो रिटेंशन है वो इतना अच्छा नहीं हो पाता है। लिमिटेड एंगेजमेंट होता है, बिकॉज एक तरह से हम टीवी में अगर ऐड कर रहे हैं तो ऑडियंस ने बस देखा और वो ऐड खत्म हो गया, तो इंटरैक्टिव नहीं होता है, लिमिटेड एंगेजमेंट रहते हैं, क्योंकि टाइम लिमिटेशन भी है, स्पेस लिमिटेशन भी है, तो इस वजह से इसकी जो एक डिसएडवांटेज है कि ये लिमिटेड एंगेजमेंट है। अवेयरनेस क्रिएट करा देगा बट बहुत ज्यादा डीप एंगेजमेंट नहीं करा पाते। नेक्स्ट नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो मार्केटिंग कम्युनिकेशन का, वो है सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन का जो मेन डेफिनेशन है वो ये कहती है, सेल्स प्रमोशन इज अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी इन विच अ बिजनेस यूजेस टेम्परेरी कैंपेन और ऑफर टू इंक्रीज इंटरेस्ट और डिमांड इन इट्स गुड्स और सर्विसेज। यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो बोल्ड लेटर्स में क्या है, टेम्परेरी कैंपेन और ऑफर, तो कंपनी जिसको सेल्स प्रमोशन करना होता है वो एक टेम्परेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, यहाँ टेम्परेरी का मतलब है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एक ऑफर क्रिएट करती है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मेन ऑब्जेक्टिव होगा इनकी सेल्स को, गुड्स और सर्विसेज की जो सेल्स है उसको शॉर्ट टर्म के लिए इंक्रीज करना है। ठीक है, तो जब कंपनी चाहती है कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए उनकी सेल्स बढ़े तो वो एक ऑफर लेके आती है। ऑफर कई तरीके के होते हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, जिस तरह से वैल्यू मील्स, ये बंडल पैक्स कहलाते हैं, हैप्पी मील भी है, वैल्यू मील्स भी हैं, इसके बाद फ्लैट 30% ऑफ, या इस तरह के डिस्काउंट कूपन्स भी चलते हैं, जो अलग तरह की सेल्स भी आती हैं कि एंड ऑफ सीजन सेल चलती है, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल चलता है अमेजोन का, तो इस तरह के जो सेल्स होती है, जो ऑफर होते हैं वो हमारे सेल्स प्रमोशन के लिए आते हैं। ऑब्जेक्टिव वही है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, कम समय के लिए अपनी सेल्स को बढ़ाना है। एडवांटेजेस पे आते हैं, पहला है इट स्टिमुलेट सेल्स, क्योंकि ऑफर देते हैं, बंडल पैक हो, चाहे बाय वन गेट वन हो, इस तरह के जो सेल्स आती है तो उसमें जो है एक कस्टमर को स्टिमुलेट करते हैं कि वो और ज्यादा प्रोडक्ट को परचेज करे उस समय में। तो जब ऑफर चलते हैं तो मेन ऑब्जेक्टिव ये, चाहे कूपन से हो, चाहे कॉन्टेस्ट से हो, मेन है शॉर्ट टर्म में सेल्स को बढ़ाना, तो इट स्टिमुलेट सेल्स
कस्टमर एंगेजमेंट इसमें ज्यादा होता है क्योंकि इंटरैक्टिव पार्टिसिपेशन जो है कस्टमर का ज्यादा होता है। हम बाय वन गेट वन करते हैं कि आप ये बंडल के साथ ये बंडल भी ले सकते हो या इतने परसेंट डिस्काउंट, आप ये सामान खरीदोगे तो आपको इतना परसेंट डिस्काउंट मिलेगा, इतने रुपए की अगर आप 1000 से ऊपर खरीदते हो तो ये एड ऑन होगा। इस तरह के जो डिस्काउंट ऑफर्स होते हैं वो कस्टमर को ज्यादा इंगेज करके रखते हैं। यहाँ कस्टमर इंगेजमेंट को समझते हैं। कस्टमर एंगेजमेंट का मतलब है कि कंपनी किस तरीके से रिलेशनशिप बिल्ड कर रही है, किस तरीके से कंपनी एक कस्टमर से इंटरैक्ट कर रही है। कंपनी जिस तरीके से कस्टमर से इंटरैक्ट करती है वो इंटरैक्शन जो है आगे चल के कस्टमर से रिलेशनशिप को बिल्ड करता है। तो कस्टमर एंगेजमेंट का मतलब ही यही है कि कंपनी कस्टमर से इंटरैक्ट करेगी जिससे कि लॉन्ग टर्म रिलेशन, ब्रांड लॉयल्टी ये बना सके। ठीक है, क्लियर कॉल टू एक्शन, सेल्स का मेन ऑब्जेक्टिव ही यही, सेल्स प्रमोशन का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि जो है कस्टमर जो है वो उसके अंदर डिजायर जनरेट करे कि वो एक्शन ले। एक्शन क्या होगा? परचेज करे। यहाँ पर मेन जितना भी हमारा गोल है सेल्स प्रमोशन का, चाहे कोई भी ऑफर हो, बाय वन गेट वन हो, बाय वन गेट थ्री हो, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि कस्टमर को एक्शन लेने पे हम उसको मोटिवेट करें कि वो एक्शन ले। एक्शन मतलब परचेज करें। तो ये हमारे एडवांटेजेस हो गए। और डिसएडवांटेजेस सेल्स ऑफ प्रमोशन, ऑफ सेल्स प्रमोशन, ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे डिमिनिश्ड परसीव्ड वैल्यू। देखो, अगर कोई कंपनी बार बार डिस्काउंट देगी, बहुत बार ऑफर्स देगी, तो बेसिकली उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज हैं उनको जो कस्टमर है वो ये समझ लेगी कि ये डिस्काउंटेड में ही मिलेगा, है ना। उसकी ओरिजिनल वैल्यू जो है वो डिमिनिश हो जाएगी, उसकी वैल्यू गिरने लगेगी कस्टमर के आईज में या कस्टमर के जो नजरिए में, वो वैल्यू जो होगी प्रोडक्ट की कम होगी, क्योंकि वो हर बार डिस्काउंट दे रहे हैं, इसका मतलब वो फुल प्राइस पे नहीं बिकता, उसकी प्राइस ही एक्चुअली डिस्काउंटेड है, वो कस्टमर को ये लगने लगता है। तो ज्यादा डिस्काउंट ऑफर चलाने का मतलब है कि आपके प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो गिरने लगेगी, तो ओवर रिलाइड नहीं होना है। शॉर्ट टर्म फोकस होता है, ऑब्जेक्टिव ही यही है हमारा कि शॉर्ट टर्म में हम सेल्स को बढ़ा सके। अगर कंपनी शॉर्ट टर्म फोकस करके चल रही है कि शॉर्ट टर्म में हमको सेल्स को बढ़ाना है, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए तो सेल्स बढ़ा देगा, बट लॉन्ग टर्म हमेशा सस्टेन्ड अगर आपको ग्रोथ चाहिए सेल्स की, तो ये सिर्फ और सिर्फ सेल्स प्रमोशन नहीं दे पाएगा कि लंबे समय तक आपको सेल्स बढ़ा के दे, नहीं कर पाएगा। लास्ट है डिपेंडेंसी। ठीक है, डिपेंडेंसी का मतलब ये है कि कस्टमर, क्योंकि आप हमें बार बार डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, तो कस्टमर भी जो है वो डिस्काउंट सीजन का ही वेट करता है कि चलो डिस्काउंट आएगा तब खरीदेंगे, नहीं आएगा तो वो नहीं खरीदेगा, वो ब्रांड लॉयल नहीं हो जाता है, वो आपके कंपनी के प्रोडक्ट का लॉयल्टी नहीं उसके अंदर रहेगी। अगर डिस्काउंट मिलेगा तो वो खरीदेगा, नहीं मिलेगा तो किसी और ब्रांड पर जा सकता है। तो ये कुछ जो है हमारे डिसएडवांटेजेस थे। पब्लिक रिलेशन हमारा थर्ड एलिमेंट है। ठीक है, तो थर्ड एलिमेंट हमारा है पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन में डेफिनेशन में पहले आते हैं। पब्लिक रिलेशन का मतलब यह है कि इट इज अ सेट ऑफ टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज दैट आर यूज्ड टू मैनेज हाउ द इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन और अ कंपनी इज डेसिमेटेड टू पब्लिक। यानी कि कंपनी से जो भी मैसेज निकल रहा है, चाहे वो एड्स के थ्रू निकल रहा हो, चाहे आपके डेली वर्क की वजह से निकल रहा हो, आपकी पॉलिसीज की वजह से निकल रहा हो, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी की वजह से कोई मैसेज जा रहा हो, तो वो किस तरीके से मैसेज पब्लिक तक जाना चाहिए। सिर्फ कस्टमर नहीं, सारी पब्लिक तक आपकी कंपनी से रिलेटेड, आपके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड मैसेज कैसे जाए, किस तरीके से जाए, क्योंकि यही मैसेज जो आपकी कंपनी से जा रहे हैं वो आपकी जो है गुडविल बनाएंगे, ब्रांड इमेज बनाएंगे, यही चीज आपके कस्टमर को अट्रैक्ट करेंगे, उनके दिमाग में एक इमेज बना के रखेंगे। तो पब्लिक रिलेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है कि कोई भी मैसेज आपके कंपनी से निकल रहा है तो वो किस तरीके से जाएगा, उसकी स्ट्रेटजी पूरी डिसाइड होती है। इसके एडवांटेजेस में क्रेडिबिलिटी, क्योंकि अगर कोई एड कस्टमर देखता है तो उनको पता है कि एड हम कर रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव है उनको अट्रैक्ट करना, बट पीआर का मेन ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता। उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि कंपनी की गुडविल बनाई जा सके। तो जब कंपनी से कोई एक्टिविटी की जाती है पीआर की, तो वो क्रेडिबिलिटी इंक्रीज करता है कंपनी की। क्रेडिबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो कस्टमर ऑब्वियसली पॉजिटिव इमेज उसके दिमाग में क्रिएट होता है। नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिल्डिंग। ठीक है,
पब्लिक रिलेशन जो डिपार्टमेंट होता है कंपनीज का, वो ध्यान देता है कि मीडिया हो चाहे इन्फ्लुएंसर्स हो, कोई भी स्टेक होल्डर्स हो, वो पॉजिटिव कवरेज करें। कोई भी एक्टिविटी कंपनी कर रही है, चाहे वो एक कोई मीटिंग करा रही हो, कोई एक छोटा सा फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रही हो, चाहे प्रोडक्ट लॉन्च हो, चाहे सोशल एक्टिविटी हो सीएसआर के अंदर, उन सब की कवरेज जो है वो एक पॉजिटिव वे में हो। किसकी कवरेज, चाहे मीडिया के थ्रू कवरेज हो, चाहे इन्फ्लुएंसर के थ्रू कवरेज हो, इन सारी एक्टिविटीज का जो कवरेज हो वो एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करे, इससे रिलेशनशिप स्ट्रांग बिल्ड होता है। नेक्स्ट, क्राइसिस मैनेजमेंट। अगर मान लीजिए कंपनी के तरफ से कोई डैमेज हो गया है, कोई खराब क्वालिटी प्रोडक्ट आ गया है, चाहे आपके प्रोडक्ट में कोई चीज पाई गई है जो नहीं पाई जानी चाहिए थी, तो यहां पर जो है पीआर आपको एक तरीके से क्राइसिस मैनेज करने के लिए हेल्प करता है, तो जो डैमेज हो गया है उसको कवर करने के लिए कोशिश करता है। डिसएडवांटेज पे आते हैं। पब्लिक रिलेशन के जो डिसएडवांटेजेस है वो है लैक ऑफ कंट्रोल। हर वक्त हम कोशिश, कंपनी कोशिश तो करेगी कि पीआर डिपार्टमेंट जो है वो मैनेज करे कि जो भी इमेज बन रही है, जो भी मैसेजेस जा रहे हैं वो एक पॉजिटिव वे में जाए, बट फुल कंट्रोल कंपनी का इस पर नहीं होता है। हम चाह तो रहे हैं कि पॉजिटिव इमेज जाए, कोई एक्टिविटी करा रहे हैं, बट कभी कभी उसकी नेगेटिव एस्पेक्ट को ज़्यादा हाईलाइट कर दिया जाता है, तो उस पर पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं होता है। इट इज़ टाइम इंटेंसिव, क्योंकि जो पीआर एक्टिविटीज़ है वो लॉन्ग टर्म की होती है। एक एड जो है आप 10 सेकंड का बना के आप कैंपेन लॉन्च कर सकते, बट पीआर एक्टिविटी टेक्स टाइम, तो ये लॉन्ग जो है टाइम इंटेंसिव है, एंड इट इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ओपिनियन। आप मैसेज को एक पर्टिकुलर वे में कम्युनिकेट कर रहे हो, आपने कोई एक एक्टिविटी कराई, बट पब्लिक की ओपिनियन पे डिपेंड है। अगर पब्लिक को वो चीज अच्छी लगेगी तो वो पॉजिटिव वे में लेंगे, अगर पब्लिक को लगेगा कि नहीं ये उनके वैल्यूज, उनके बिलीफ, उनके कल्चर के अगेंस्ट है या उनके वैल्यू से मैच नहीं करता है, तो पब्लिक ओपिनियन जो है वो नेगेटिव है, तो वो नेगेटिव इमेज ही बनेगी। तो ये एक रिस्क हमेशा पीआर के साथ रहता है। ठीक है, तो ये एलिमेंट हो गया। नेक्स्ट एलिमेंट पे बढ़ेंगे आगे। थैंक यू।